जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। हम कई बार हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं कि समझ नहीं आता क्या करें। एक घना कोहरा सा दिखाई पड़ता है परेशानियों का, निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। पर निकलना तो होगा ही, कदम तो बढ़ाने होंगे, हिम्मत तो रखनी होगी और खुद पर भरोसा करना होगा। क्योंकि अगर हमें खुद पर भरोसा है तो हम छेनी और हथौड़े से पहाड़ भी तोड़ सकते हैं, दशरथ मांझी की तरह। एक बार की बात है, एक आदमी एक पार्क में बैठा था, उदास, निराश, हताश, ऊपर से शांत पर अंदर एक बवंडर था। एक के बाद एक विचार आ रहे थे, क्या होगा, अब कर्जा कैसे चुकाऊंगा, मैं तो दिवालिया हो जाऊंगा, मेरे बच्चे, मेरा घर, क्या होगा अब मेरे साथ। अब सब खत्म दिख रहा है, अब एक ही रास्ता है और वो है मौत। वो सोच ही रहा होता है कि पीछे से एक हाथ आता है, एक बुजुर्ग आदमी का हाथ। आदमी मुड़कर देखता है, बुजुर्ग उससे पूछता है, क्या हुआ, क्यों इतने परेशान हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। इस पर लड़का कहता है, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता सिवाय मौत के। बुजुर्ग फिर कहता है, अरे ऐसा भी क्या हुआ, मुझे बताओ, मैं करूँगा तुम्हारी मदद। अब लड़का थोड़ा नाराज होकर कहता है, आप क्या करेंगे मेरी मदद, मुझे $5,00,000 चाहिए, आप देंगे मुझे। मैंने कहा था ना, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। इस पर वो बुजुर्ग जोर जोर से हंसने लगा और कहा, बस इतनी सी बात और तुम मरने तक के बारे में सोचने लगे हो। ये कहते हुए उस बुजुर्ग ने चेकबुक निकाली और $5,00,000 का चेक बनाकर उस लड़के को दिया और देते हुए कहा कि ये रखो और इससे अपना कर्ज चुका देना और ठीक 1 साल बाद मुझे चुका देना। मेरा नाम जॉन डी रॉकफेलर है, नाम तो सुना ही होगा तुमने। जॉन डी रॉकफेलर उस समय दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। आदमी ने ध्यान से देखा, वो वाकई जॉन डी रॉकफेलर ही थे। जॉन डी रॉकफेलर वहाँ से चेक देकर चले गए और ये आदमी आश्चर्यचकित रह गया, ये सोचकर कि कुछ देर पहले मेरे जीवन में इतनी परेशानियां थी, मैंने मरने तक के बारे में सोच लिया था और एक झटके में मेरी सारी परेशानियां खत्म हो गई। वो सन्न खड़ा था, चेक उसके हाथ में था। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया कि एक आदमी जो मुझे जानता तक नहीं, मुझ पर इतना भरोसा करता है कि $5,00,000 का चेक मेरे हाथ में पकड़ा कर चला गया। अगर एक अपरिचित आदमी उस पर इतना भरोसा कर सकता है तो क्या वो खुद पर थोड़ा भी भरोसा नहीं कर सकता। वो आदमी घर जाता है, वो चेक संभाल कर रखता है और खुद से वायदा करता है कि वो खूब मेहनत करेगा, जी जान लगा देगा और अपना कर्जा चुकाएगा। और अगर वो ये नहीं कर पाया तब वो इस चेक का इस्तेमाल करेगा। बस फिर क्या था, 3 महीने से पहले ही उस आदमी ने सारा कर्जा चुका दिया और अपना बिजनेस फिर से खड़ा कर दिया। अब वो उस दिन का इंतजार कर रहा था जब जॉन डी रॉकफेलर ने उसे मिलने को कहा था। ठीक 1 साल बाद वो फिर उसी पार्क में जाता है और जॉन डी रॉकफेलर का इंतजार करता है। वो देखता है कि जॉन डी रॉकफेलर सामने से आ रहा है। वो भागता हुआ उसके पास जाता है और बोलता है, पता है आपको क्या हुआ मेरे साथ, मैंने बहुत मेहनत की, सारा कर्जा चुका दिया, मैंने आपका चेक बुनाया तक नहीं। आदमी अपनी बात खत्म ही कर रहा होता है कि पीछे से 2 नर्स आकर उस बुजुर्ग को ले जाने लगती है। आदमी घबरा कर कहता है, क्या हुआ जॉन डी रॉकफेलर को, आप इन्हें कहाँ ले जा रही हैं? इस पर एक नर्स हंसते हुए कहती है, ओह तो इसने आपको भी चेक दिया, पार्क के साथ सटी दीवार देख रहे हो, पागल खाने की है और ये पागल है, पिछले ही साल एडमिट हुआ, इसकी शक्ल जॉन डी रॉकफेलर से मिलती है और ये अक्सर इसी पार्क में भाग कर आ जाता है और खुद को जॉन डी रॉकफेलर बताता है और चेक बांटता घूमता है। ये सुनकर वो आदमी वहीं सुन्न हो जाता है और चेक हाथ में पकड़कर सोचता है कि ये $5,00,000 ये तो कभी थे ही नहीं मेरे पास, तो फिर क्या था मेरे पास। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि क्या था उसके पास, उसका खुद पर विश्वास। उसने खुद पर भरोसा किया और वो परेशानियों का गहरा कोहरा छट गया, अब सब साफ हो गया। याद रखिए, अगर हमें खुद पर भरोसा है तो हम दोनों पैर कटे होने के बावजूद माउंट एवरेस्ट को फतह कर सकते हैं, अंधे और बहरे होने के बावजूद विश्व प्रसिद्ध हो सकते हैं,
लकवाग्रस्त होने के बावजूद दुनिया के महान वैज्ञानिक बन सकते हैं। बस भरोसा रखिए खुद पर। किसी ने क्या खूब कहा है, जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए।